प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है आरंभिक कलीसिया के बहुत सारे सिद्धांतों को जो है सीख रहे हैं धीरे धीरे करके, और उनमें से आज एक और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो ये कि कलीसिया जो है वो आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन कई लोग उसमें ऐसे भी थे जो कलीसिया की टांग खींचने वाले थे, जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, जो उनको डुबाने में लगे हुए थे। और जो है जैसा प्रभु के दास बिली ग्राहम जी कहते हैं कि दुनिया में कोई भी कलीसिया 100% परफेक्ट नहीं है, सिर्फ उस यूनिवर्सल कलीसिया को छोड़ के, उस यूनिवर्सल कलीसिया को छोड़ के जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाई जाएगी उसके द्वितीय आगमन, उसको छोड़ कोई और परफेक्ट नहीं। किसी न किसी में, किसी रूप में कहीं ना कहीं कोई कमी है, और हर व्यक्ति में भी कोई ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। सो दोस्तों, चाहे मैं हूं चाहे और कोई हूं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं मुझ में भी, कलीसिया में भी। और जो आपको अच्छा लगता है वो ग्रहण करें, और जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसे त्याग दें। लेकिन जो है जो जिससे आप सहमत नहीं है उसके कारण वो व्यक्ति या वो कलीसिया आपकी दुश्मन नहीं होगी। तो इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। जैसे जब मैं सर्जरी में था, डॉक्टरी के क्षेत्र में, तो हमें ये बताया गया, मुझे एक बॉस ने कहा, जब तुम अलग अलग सर्जनों के साथ काम करोगे तो जो अच्छा है उसे ले लो और जो बुरा है उसे छोड़ दो। बिल्कुल मैंने ऐसे ही करा, और जो है डॉक्टरी में भी करीब 35 साल हो गए सर्जरी में। कई चीजें सीखने को मिली, कई चीजें छोड़ी, कई चीजें ग्रहण करी, और वही चीज कलीसिया में भी परमेश्वर चाहता है कि हम वो चीजें जो हमको नहीं समझ में आती, जिससे हम एग्री नहीं है, उसको त्याग दें, और जो चीज अच्छी है उसको ग्रहण करें। और स्टीफनुस एक बहुत बढ़िया चीज, जब वो अपनी गवाही दे रहा था, लोगों को बता रहा था, तो उसने वो 7वें अध्याय की 51वीं आयत में क्या कहा, मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। उसने कहा उन लोगों से जो उसे पत्थरवा करने के लिए तैयार थे, क्या कहा, हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते रहते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। देखें, ये नेगेटिव पहलू अर्ली चर्च में, आरंभिक कलीसिया में जो आरंभ हुआ वो अस्त जाएगा। 100 में से मालूम पड़ा कि कुछ लोग, आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ लोग आपके विरुद्ध, और दुनिया में ये डाटा है कि 100 में से 70 लोग नेगेटिव विचारधारा के, 25% लोग न्यूट्रल विचारधारा के, आप मरो गड़ो कुछ भी करो उनको कोई लेना देना, लेकिन 5 से 7 लोग पॉजिटिव विचारधारा के। सो दोस्तों, कलीसिया में भी ऐसा है, इसका प्रभाव कलीसिया में है। सो आगे जो है बाइबल इस विषय में
और भी बहुत कुछ बताती है, सो आए मेरे साथ जो है बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये वो नेगेटिव विचार जो है आरंभिक कलीसिया में भी थे और आज भी है, आज भी है, और कई बातों में हम जो है सहमत नहीं होते, तो कोई बात नहीं, जिस बातों में सहमत है उन बातों में जो है हम वो ग्रहण करें और आगे बढ़ें। जैसा मैंने बताया, दुनिया में कोई भी चर्च, कोई भी व्यक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हुआ। यदि होता तो वो हमारे लिए बलिदान दिया होता और उसके पापों के बलिदान के कारण से हमारे पाप धुल जाते, लेकिन ऐसा कोई है नहीं, है नहीं। सो और जो है हर नेगेटिव शब्द जो है सो पॉजिटिव शब्द के बराबर है, और जो नेगेटिविटी हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, आपके संसारिक क्षेत्र में, आपके शारीरिक क्षेत्र में, आपके जो है आत्मिक क्षेत्र में, आपके पारिवारिक क्षेत्र में, आपके मिनिस्ट्री के क्षेत्र में, ये नेगेटिविटी हमेशा पाई जाएगी, हमेशा पाई जाएगी। और ये एक अच्छा कारण भी है, हमें ऐसे यदि पॉजिटिव रीति से लें तो यदि हम गलत ना हो और हमें कोई ना सिखाए तो हम गलत पे भी घमंड करने लगेंगे। सो जो है आरंभिक कलीसिया में भी कई चीजों को लेकर के जो इस प्रकार के लोग थे, जैसा किसी ने कहा कि ये पैसा जो है क्यों सुसमाचार में खर्च किया जाता है, ये गरीबों को क्यों नहीं बांटा जाता है, और हमारी विधवाओं की सुधि क्यों नहीं ली जाती है, और उनको, और ऐसा कई रीति से हुआ। तब पतरस को ये समझ में आया, उसने कहा कि हमें परमेश्वर ने ये सोशल काम करने के लिए नहीं बुलाया, हम तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार और आत्माओं को जीतने में लगे रहेंगे। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी था, एक ग्रुप ऐसा भी था, जब वे इकट्ठा होते थे तो उनका विरोध भी होता था, उनका विरोध भी होता था, और जो है कई लोग जो है अलग अलग विचारधारा के जो है, इसीलिए जो है जब विभिन्न विचारधारा के लोग इकट्ठा होते हैं तो बजाय, जैसे हम एक फॉर्मूला कहते हैं ना कि विभिन्न भटियारे यदि एक हंडी को बनाए तो वो हंडी बिगड़ नहीं है, कोई मसाला अपनी रीति से डाल रहा है, कोई नमक अपनी रीति से डाल रहा है, कोई पका कैसे रहा है, कोई तेल ऐसा डाल रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, लेकिन यदि एक पर यदि डटे रहे सो वो बात सही रहे। कलीसिया में भी ऐसा है, कलीसिया में भी ऐसा पाया जाता है, चर्च में भी, अर्ली चर्च में ऐसा पाया जाता, और आज भी इससे हम अछूते नहीं है, इससे अछूते नहीं है। और जो हमारी निगाहें हैं वो समय के हिसाब से प्रभु पे होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पे होनी चाहिए, कि प्रभु क्या बोलता है, पवित्र आत्मा क्या बोलती है। किसी निर्णय को लेने के पहले हमें प्रार्थना और उपवास में, जैसा हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह उन 12 चेलों को चुनने के पहले पूरी रात प्रार्थना में गुजारता है, क्योंकि सुबह एक महत्वपूर्ण निर्णय करना है, ये प्रभु ने हमें सिखाया, ये प्रभु ने हमें सिखाया। प्रभु गतसमने बाग में पूरी रात जो है प्रार्थना करने में गुजारने वाला था। प्रभु की गिरफ्तारी करीब रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुई, गतसमने बाग में, और चूंकि लेट नाइट थी इसीलिए चेलों को नींद आ रही थी, इसीलिए चेलों को नींद आ रही थी, लेकिन प्रभु प्रार्थना में तैयार रहा, प्रार्थना में तैयार रहा। सो
उचित निर्णय के लिए हमें प्रभु के पास जाना चाहिए। और ये किससे सीखा हमने? स्वयं प्रभु यीशु मसीह से। जब वे पृथ्वी पर थे तो चारों ओर प्रभु के नेगेटिव लोग थे, नकारात्मक लोग थे, नकारात्मक विचार थे, और प्रभु एकमात्र थे जो इस नकारात्मकता से जूझना जानते थे। वे आए तो वो याईर की लड़की मर गई, किसी ने आकर के सूबेदार से कहा प्रभु को कष्ट मत दे, जाने दे, वो लड़की मर गई। देखिए नकारात्मक, वो प्रभु ने उसको छोड़ के कहा वो मरी नहीं वरन सो रही है। वहां पर जब 5,000 लोग थे, 4,000 लोग थे, कितनी रोटी कितनी मछली, उन्होंने कहा 5 रोटी 2 मछली, और क्या पूरे शहर में जाएं कि कहां से खरीद के लाएं? प्रभु ने कहा देखो ऐसा नहीं। प्रभु ने वो नकारात्मक को सकारात्मक में बदला। ये है प्रभु। और देखें अच्छी संगति बुरे आदमी को सुधार देती है, लेकिन उस अच्छे व्यक्ति का परफेक्ट होना जरूरी है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही था, वो बजाय बुरी संगति के, बजाय नकारात्मक विचारधारा के लोगों से घिरा रहने के बावजूद, वो नेगेटिव लोगों से घिरा होने के बावजूद भी वो उनसे नहीं सीख रहा था, वरन अपनी बातें उन्हें सिखा रहा था। पौलुस के साथ भी ऐसे ही था। पौलुस के साथ में कितने विश्वासी चल रहे थे, हर तरफ अविश्वासी अविश्वासी और अविश्वासी, लेकिन पौलुस बजाय उनसे सीखने के परमेश्वर की बातें उनको सिखा रहा था। लेकिन पौलुस इस लेवल में आने के लिए वो बोलता है गलातियों के पुस्तक में कि प्रभु को पाने के बाद में 3 साल अरब चला गया, फिर 14 साल, और जो समय 14 और 3 17, और जो समय गमलियल के चरणों में गुजारा वो अलग, इतना परिपूर्ण हो गया। पतरस याकूब यूहन्ना भी जो प्रभु के चेले थे, इनके पास भी नकारात्मक जो है विचारधारा के लोग थे, परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन अपनी निगाहें प्रभु की ओर रखी, अपनी निगाहें प्रभु की ओर रखी, और समय के हिसाब से जो है प्रभु ने उसे प्रतिफल किया। और समय बताता है, प्रभु के लोग बताते हैं, सब तरफ निराशा थी, सब तरफ अंधकार था, सब तरफ लोग इस प्रकार के थे, बजाय उनसे जो है प्रभावित होने के, इन्होंने प्रभु की बातें उनमें डालना शुरू करी, और नतीजा आत्माओं को जीतने में, रिवाइवल आने में, और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो उसी में इस प्रकार की विचारधारा में संभव है दोस्तों। और प्रभु ये चाहते हैं कि भले हमारे साथ, हमारे चारों तरफ व्यक्तिगत, पारिवारिक, संसारिक, शारीरिक, कलीसियाई, सब तरफ यदि नेगेटिविटी भी है, तो भी हमारी निगाहें किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर है। और प्रभु हमें इन बातों से ऊपर उठाएगा, प्रभु हमें इन बातों से ऊपर उठाएगा। हमारी निगाहें प्रभु की ओर, हमारे जीवन का सेंटर प्रभु यीशु मसीह, हमारे गाड़ी का ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह, और देखें प्रभु उसमें से हमें निकाल करके लेकर के आएगा। ये विचार हमेशा रहेंगे जब तक प्रभु इस पृथ्वी पर नहीं आए। ये विचार जो है, इस विचारधारा के लोग जो है हमेशा रहेंगे, और ये समय के हिसाब से उस आरंभिक कलीसिया में भी, प्रभु यीशु मसीह के समय में भी, और आज भी रहे। लेकिन इससे पार होने के लिए जो है, जैसा मैंने बताया कि हमारी निगाहें प्रभु की ओर, जीवन का सेंटर प्रभु यीशु मसीह,
हमारी गाड़ी का ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि भले हम इस संसार में, शरीर में और शैतानी वातावरण में है प्रभु, लेकिन हम अपनी निगाहें आपकी ओर रखते हैं। जब आप इस पृथ्वी पर थे, आप भी इसी वातावरण में थे, गाली सुनकर के गाली नहीं दबाते थे, लोग अन्याय करते थे, आप उनके साथ अन्याय नहीं करते थे, आप उनमें परमेश्वर की बात डालते थे। प्रभु हमें अपने जैसा स्वभाव स्वरूप अपने जैसा बनाए पिताजी, इस संसार में, शरीर में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया जीवन में आपके प्रति वफादार रह सके। हमारे जीवन का सेंटर आप, हमारे गाड़ियों के ड्राइवर आप हो प्रभु। हम अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace.